तो पिछले दिनों राजधानी रांची के हरमू में एक व्यक्ति को करीब 15 से 20 अज्ञात युवकों ने बेरहमी से पीटा था। इन युवकों को तमाम चोटें आई थी, जिसके बाद मामला जो है और बिगड़ता चला गया। हालांकि जैसे तैसे पुलिस ने मामले को संभाला, अब इस पर प्रदेश का सियासी पारा जो है वो चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार के तुष्टिकरण की नीतियों के कारण ही सांप्रदायिक लोगों का मनोबल बढ़ गया है। हेमंत सरकार में सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी कल रात को हरमू बाजार में एक छोटी सी घटना पर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, यह बेहद ही अफसोसजनक है। दरअसल हेमंत सरकार की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण ही एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का जो मनोबल है वो बहुत बड़े 15-20 की डंटा पत्थर का लेके सबको आज जो खड़ा था हाथ भी मेरा है और ई भी मारना स्टार्ट कर दिया। हम दौड़े बाजार के अध्यक्ष के नाते, हमको भी मार के सिर फोड़ दिया, हमको भी जमीन में गिरा दिया। कौन लोग था ये यहाँ मंदिर के सब मिटमुटा काटते हैं तो सबको चिन्हे नहीं। कुछ लोग सब नहीं था उसमें, कुछ लोग कर रहा था चिन्ह रहा कि चाचा आपको कैसे मार दिया, चाचा आपको कैसे मार दिया। हम बोले कौन था रे, तब ये लोग यहाँ थाना में आ गया और हम लोग आ रहे जब तक लोग थाना में आके बैठा रहे। मेन लेडीज सबको लेके गए, लेडीज सबको ले, सबको लेडीज जो मोटी लेडीज बैठे वही है थाना में, वही मेन एक्शन। लेडीज अगर नहीं जाती तो सर टाइम